तेरे नाम
जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी दम पीते है दम दम बिच दम 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 बिच दम पीते कदी तू बैठ हिसाब ना कीता लखा दे वणज विचों नफा ना इक तेले दा लीता लखा दे वणज विचों नफा ना इक तेले दा लीता चाढ़ी गंज माया दे चाड़ी गंज माया दे नाल ना चाड़ी कौटी काड़ी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी मालिक मिल खांदा तेरा कारा दे विच बैणा आज मालिक मिल खांदा ओए तेरा कारा दे विच बैणा कल चार परहवां ने ओ बंदिया मोटियां ते चुक लेना कल चार परहवां ने ओ बंदिया मोटियां ते चुक लेना आज उठी आसमाना ते अज उठी आसमाना ते कल नूं उड़ी खाक मसाड़ी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी सहबे दुआलम जहरा जहूर हाजरा हजूर जबर तक दे मालक माल के कायनात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्रतख गुरु नानक पातशाह जी आखो सतनाम श्री वाहे मेरे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सरबन सवार के नदेड़ दी पावन धरती ते जाके आखरी दीवान सजा के तुहाडे कोलों इक्को ही मंग मंगी सी आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु नानक पातशाह जी दे नाम लेवा सिखो साडे तो बाद तुसी किसे देहधारी नूं गुरु नहीं मनना तुसी गुरु मनना है सिर ते सिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते मनना किवें है ये जुगती भी उदणी दस दिंदी तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं इक ग्रंथ नहीं मनना गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे ओ गुरु नानक पातशाह दे नाम लेवा सिखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने तुसी
गुरु नानक पातशाह जी की देह समझना है, शरीर समझना है। ओ कक्के रेते दे मारिया पानी उच्चे ए नहीं ओ हड़ दरियावां दा रुक सकदा, मूती चन्न ते नहीं परात वजदी, ये सूरज पतला ओ ले नहीं लुक सकदा। ओ झुंड गिदड़ां दा भावे हजार होवे, ए पपर शेर दा दबा नहीं मुक सकदा। आए पर गुरु ग्रंथ साहिब बिन खालसे दा ए किसे होर था सिर नहीं चुक सकदा। ओ तुरके तुरकी बाणी दे गुरु ग्रंथ अंदरे दसा गुरुआं दी बोल दी आत्माए, दसा गुरुआं दी बोल दी आत्माए। ओ जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ए दिसदा इन्हां दे विचों परमात्मा है। हो ध्यान देना कि साडे हिरदे विच एहसास है, ये फीलिंग है कि साडे सामने गुरु नानक पातशाह जी बैठे ने। बहुत घट यह एहसास होया सी धन धन बाबा आनंद सिंह जी नानक सर वालियां दे हिरदे विच, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरु नानक पातशाह जी की जोत समझे, देह समझे, शरीर समझे। सारा सारा दिन गर्मियां विच बाबा आनंद सिंह जी ने सारा सारा दिन गर्मियों हजूर दे कोल बैठ के हजूर नूं पक्खा चलना, आखना मेरे नानक नूं गर्मी ना लग जाए, मुड़का ना लग जाए। जिथे हजूर दे प्रकाश होए होने ना, बाबा आनंद सिंह जी ने उस थां दे कलावे भरने, कलावे ते शब्द पता किहड़ा गाउंदे होण। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सोथान सुहावा राम राज। माफ करना, गल्ला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल कर रही है, गल्ला सुनियो जरा। हुण गल्ला कौन करूगा जिहदे हिरदे विच एहसास होवे? तुसीं कर सकदे हो? नहीं, असीं कर सकदे हां? नहीं। अगले ने आखना है गुरुद्वारे जाके गल्लां करन दिया गुरु ग्रंथ साहिब दे कोले, ते पागल हो गया, संगल लाओ अमृतसर लैके चलो, इहनू कमला हो गया, पागल हो गया। ते माफ करना, मैं सोचदा हुंदा कि गल्लां करन दा मौका भी मिल जाए ते साडियां गल्लां कुछ होर होणियां, बाबा जी दियां गल्लां कुछ होर होणियां, साडियां गल्लां ते इहो ही होणियां ना। बाबा साडा मुंडा कनेडे चले जाए, इटली चले जाए, अमरीका चले जाए, गुआंढियां दा डिपोर्ट होके आ जाए, आखो सतनाम। बाबा मेरे पुत नूं मुंडा देई, अजीदा इहदे नाल गुआंढियां दे मुंडे दा विआह होया, उहदे जोड़ा कुड़ियां होण तां खुशी मिलदी। माफ करना, असीं अपने दुख नाल दुखी नहीं हुंदे जिन्ना किसे दे सुख नाल दुखी हुंदे आ। नोट करियो, कल नूं अगे तोरां बाबा जी दियां गल्लां, बाबा आनंद सिंह जी दियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ऐ मेरे प्रीतमा, ऐ मेरे नानक जी, मैनू तेरे नालों विछड़िया होया 83,99,999 जूनियां हो गई ने, जन्म हो गए ने। पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। शहनशाह कृपा की है तैं मैनूं मनुखा दे ही दित्ती है, कादे लई?
सिर ते सिर्फ अपने चरणों नाल जुड़न वास्ते आखो सतनाम श्री। ओ साडी अकल नू हाथ नहीं लभ सकी, साडी अकल नू हाथ नहीं लभ सकी, तेरियां रहमतां भरी शकीनगी दी, तेरी दात पर्वत जेड़ी अते साडी राइयों काटे औकात महीनगी, सारी उम्र तेरा ही दिता वरतिया ए शहनशाह, फिर भी बनी नी सुरत अधीनगी दी, कोई बना नी तेरिया बख्शिशां दा, ए कोई हद नी साडी कमीनगी दी। एहसास करदे होया कि साडे सामने गुरु नानक पातशाह जी बैठे ने सिंघासन ते, उन्हां दी गोद च बैठ के उन्हां नाल जुड़िया हुई रूहां दे दर्शन कर रहे हैं, दीदारे कर रहे हैं। ये एहसास करदे होया फतेह दी सांझ पाईए ताकि तुहाडी हाजरी साडी हाजरी शहनशाह दे चरणों च लग जाए। सारी संगत जत के बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੰਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਾਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਬਈ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੇਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਲੂਤਰਾ ਸਿੱਖ, ਕਲਤੂਰਾ ਸਿੱਖ, ਸੋਰੀ ਕਲਤੂਰਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਤੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ, ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਇਟਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ
इस समागम रचे जा रहे हैं, तुसीं अपने जीवन दीआं कड़ियां नूं लाहे च बदल रहे हो, लाहे च बड़े खुश नसीब हो, भागां वाले हो। सो आओ बच्चे हजूर दे चरणां विच कुछ अकीदत दे फुल भेट कर रहे हैं, उस तों बाद तुहाडे नाल इतिहास दी लड़ी शुरू करांगा। वा पाणी पौरे जोबन ते पौरे जोबन दे पाण पौरे जोबन दे तेरे नाल जो टुक टुक पैंदे पाण पौरे जोबन दे तेरे नाल जो टुक टुक पैंदे आखर मुरझा जांदे आखर मुरझा जांदे सदा ना फुल टैक दे रहिंदे माया रूप जवानी दी माया रूप जवानी दी बंदिया झूठी कूड़ कहानी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी अमृत कुंड विच्चों इस अमृत कुंड विच्चों जिन्हां ने प्रेम प्याला पीता ओहो पारस बन गए ने ओहो पारस बन गए ने जिन्हां ने अमल बाणी ते कीता लै के लाह जीवन दा लै के लाह जीवन दा जिन्हां ने बोझ इस दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जे भव जल लंघना नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी आओ इतिहास दी लड़ी नाल जुड़िए बीत दिसंबर 1704 ईस्वी दी अद्धी रात ठाठा मार दी सरसा दे कंडे ते एक बिरध दादी 7 साल ते 9 साल दे पोतियां नूं उंगली लाई होनी नाल कुछ गल्लां कर रही होनी ने आख्या दे गुजरी मैं कीतो की कर दिता है अज तेरा सुहाग कित्थे है तेरा ताज कित्थे है तेरा पुत कित्थे है तेरियां नौहां कित्थे ने देख मैं तेरे परिवार दा तीला तीला करके रख दिता है की तू मेरी होंद नूं अजे भी नहीं कबूलेगी उस बिरध दादी ने कड़कवी आवाज में जवाब दिता होनी याद रख मनिया संसार ते तेरा गलबा इस संसार तेरे अगे झुकदा है पर अड़िए ये नानक दा घरी इत्थे तेरी एक भी नहीं चलनी क्योंकि ये वो घर है जिथे सब तो पहलो मौत कबूली जांदी पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास ओ सबना की रेणका तो आओ हमारे पास कोल खड़े गंगू रसोईए ने आख्या माता जी ऐ किहदे नाल गल्लां कर रहे हो समा गल्लां लई इजाजत नहीं दे रहा आओ मेरा पिंड सरहेड़ी बिल्कुल नजदीक है तो मैं सारे रस्ते का वाकव हाँ आओ मेरे घर चलो कोई तकलीफ नहीं होगी भाई 7 साल ते 9 साल के पोतियां नूं उंगली लाई बिरध दादी कंडियालियां झाड़ियां नूं चीरदी हुई किसी अणदसी मंजिल वल वधदी जा रही है वधदी जा रही है थोड़ी दूर जाने तो बाद भैणों अचानक ठेडा वजदा है 7 वरिया का पोता बाबा फतेह सिंह डिग पैंदा है दादी पोते नूं चुके बिठालदी है छाती नाल लाउंदी है ते आखदी है मेरे लाल दे लाल बरखुरदार फतेह सिंह पुत संभल क्यों डिग रहा है संभल 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 अजे तेरे उपर कुरबानियां दे महल उसरने हैं इशारे की गल थोड़ी दूर जाने तो बाद अचानक ठेडा वजदा है बिरध दादी डिग पैंदी है दोवें पोते दादी नूं चुके बिठालदे ने ते दादी नाल कुछ गल्लां करदे ने जरा सुनना मेरी इंटरनेशनल कैस्ट शहादत छोटे साहिबजादे टी सीरीज कंपनी शुरू है
साहिब जादिया आखिया माताई किथे छट के दुर्गवीर सानू कतों पिता जी मिलन गे दस माए दर्शन कितिया बिना नातीर सानू गुरु प्यारी सत्संग जी मैं तुहाडे नाल इतिहास की वो दास्तान का जिक्र साझा कर लगा है जिस दास्तान सुन के कंधा भी ताहा मार लग पैंदियां ने कंधा भी जुड़ के बैठोंगे जिवें हुण बैठे हो ना किसी वक्री दुनिया में पहुंचने का एहसास होगा सो कृपा करो खुद भी जुड़ियो तो दासन भी जुड़न का मौका बख्शिश करो सुनना बच्चा अगलिया सत्रा इं कह लगा है ओ किथे जाके मंजिल ने मुकना है हो मुकना है साडे राती दस अखी लाके एक नाल पारसा मां बोली बापू तुसा दे रही उडीक सानू बापू तुसा दे रही उडीक सानू पोते आखन गे मां कहरां दी सर्दी वगदा तूफान अद्धी रात मां आप कि चले हाँ मां साढ़े पिता जी नजर नहीं आ रहे वे वीर नजर नहीं आते साड़िया मातावान नजर नहीं आ रही प्यारे सिंह नजर नहीं आ रहे दादी दी अखां विच प्यार दे हंजू आ गए कुट के छाती ना लाया आख्या बरखुरदारो असी उत्थे चले हाँ जिथे सानू गुरु नानक पातशाह जी लिजा रहे ने काठ की पुत्री क्या जाने बपरी खिलावन हारो जाने ऐ जरा सुनना भाई पुत्ते कुछ सवाल कर रहे ने ते सिखी दे था माता गुजी जी मोरियों जवाब हे यूं दे रहे वा अजीत ते जुझार नू कदों दादी मिलांगे अजीत ते जुझार नू निसज दस अम्मी ए सिखी दिए थम्मी ए निसज दस अम्मी ए सिखी दिए थम्मी ए ओ छाती नाल लाके दादी चुमदी निगावां नू दादा जी तुसां दे साडे तक देने रावानू दादा जी तू सादे सादे तक देने रावानू विचन जय पोतियो जिगर ते टूटियो विचन जय पोतियो जिगर ते टूटियो Thank you.
दस माए पिता जी के दुख कोली आणगे घुट के कले जे गल कदों सानू लाणगे घुट के कले जे गल कदों सानू लाणगे मैं क्यों नहीं बोलती तू गल नहीं खोलती मैं क्यों नहीं बोलती तू गल नहीं खोलती गुजरी दे होर वे लेखा बेच लिखी आकी गुजरी दे होर वे नानक दे हाथ होने बीबा साड़ी डोर वे नानक दे हाथ होने बीबा साड़ी डोर वे तुरे आओ सोने आओ मेरे मन मोने आओ तुरे आओ सोने आओ मेरे मन मोने आओ जीत दे जुझार माए कातू साथ दूर ने साडे कोल केड़े अम्मी हो गए कसूर ने सातों कोलों केड़े अम्मी हो गए कसूर ने वीर कदे आणगे मजपियां पौणगे वीर कदे आणगे मजपियां पौणगे चोरी चोरी सातों लेनी लाड़ी मौत बरीबे चोरी चोरी सातों लेनी लाड़ी मौत बरीबे दादाजी कोल जावांगे बेशगन मनावांगे दादाजी कोल जावांगे बेशगन मनावांगे रात कहर दी तूफान जोर वगदा देख तेरे पोतियां नू डर नहीं लगदा देख तेरे पोतियां नू डर नहीं लगदा तुरी चल अम्मी ए वाट अज लम्मी ए तुरी चल अम्मी ए वाट अज लम्मी ए गुजरी ते पार सा कहारी ऐसी गुजरी हस के गुजारी जेड़ी मां गुजरी ते गुजरी हस के गुजारी जेड़ी मां गुजरी ते गुजरी तू सब कुछ वारता मकर्ज उतारता तू सब कुछ वारता मकर्ज उतारता तू सब कुछ वारता मकर्ज उतारता अमृत वेला होया है सिरहेड़ी पहुंच के गंगू ने अपने करदा दरवाजा खड़काया
बुहा गंगू की मां सोभी ने खोलिया है। अपने घर की चौकट उत्ते गुरदेव माता गुजरी जी ने इस हालात में खड़िया तक ओ जामे लीरो ली शरीर ठंड नाल खंबरे ने ते पैरां चो खून वग रहा है। सोभी ने अपने नैणा दे हंजुआ नाल माता गुजरी जी ते साहिबजादियां दे चरण धो दिते। अंदर गई आसन लवाए लिफ्ट लाइया दित्तियां जल गर्म करके चरण धोते ने ते चरनामत छकिया। मन की खुशी सांभी नहीं जा रही, मैं भागा वाली मैं करमा वाली, अज मेरे घर में माता गुजरी जी ते साहिबजादियां ने चरण पाए। माफ करना साडे इतिहासकारां ने वितकरा नहीं किया, जे साडे इतिहासकारां ने गंगू के किरदार नूं निंदिया दुरकारिया तरकारिया फटकारिया नकारिया उत्थे उहदी मां सोभी के किरदार नूं बाखूबी नाल सलाया भी है। हुण बहुत खुशी चढ़ी हुई है मन में, गर्म दुध छकाया है। दुनिया वाले जदों किसी नूं ज्यादा खुशी मिल जाए वह किसी होर नाल सांझी ना करे दिल पाटण ते आ जाए, गम मिले गम किसी होर नाल सांझा ना करिए ते सियाणे कहिंदे इत्थे दिल दे कोल इक गोला जिहा बजदा जिहदा इलाज दुनिया का कोई भी वैद अज तक कर ही नहीं सकिया। हुण पता है कि मेरे घर च वक्त की हुकूमत के बागी आए हुए ने, वक्त की सरकार नूं पता लग गया, सूबा सरहद नूं पता लग गया, मेरे सारे के सारे परिवार नूं वेले ने थाणी लगा देना है, पर फिर भी अपनी खुशी नूं सांझा करन वास्ते निजी गुआंढां दे कोल जांदी है, जाके आखदी है नहीं अड़ियो नहीं पता ही अज मेरे घरे कौन आया, अड़ियो जगत माता माता गुजरी जी आए हुए ने, कलगियां वाले पातशाह दे माता जी उन्होंने छोटे फरजंद आए हुए ने, अड़ियो मेरा करते अज सचखंड बनिया होया है, कोई पूर्वले जन्म च किया है कर्म उगड़िया मेरा, अड़ियो किसी होर कोल गल ना करो, जे दर्शन करने हैं ना तो जो रात का हनेरा होना शुरू होया आके कर लियो। तो चाह इन्ना खुशी इन्नी कि एक एक करके सारिया गुआंढा खुद ही दसिया ही है, तो ये गुआंढा भी भैनों इंतजार कर रही ने कदों दुनिया का झूठा सूरज छिपे कदों सच के सूरज के दर्शन हो। रात अपनी चाले तुरन लगी, ये गुआंढा एक एक करके सोभी के घरे आ रही ने, दृश्य वेखन वाला है। माता जी चौंकड़ा मार के पंते बैठे ने, एक पासे बाबा फतेह सिंह एक पासे बाबा जोरावर सिंह, ये गुआंढा नतमस्तक हो के अपनिया पटावं माता के चरणों में अर्पण करने उपरंत बैठदिया जा रही ने, जिवें तुसीं बैठे हो। एक चुप वरती हुई है, सन्नाटा छाया होया है, पर यह चुप नूं एक बिरध माता ने तोड़िया। ये बिरध माता कौन है जिन्हें कभी माता गुजरी जी का जलाओ अपनिया अखां नाल आनंदपुर की धरती से वेख्या सी, जिथों की माता जी गुजरते सी फुलां की वर्खा हुंदी सी अखां दीआं पलकां विखदीआं सी, प्रशादी हाथी वर्गे जानवर माता जी ने चवर चलते सी, अज इस हालात में बैठे तक चुप ना रह गया, उठी गल में पल्ला पाया हाथ जोड़े आख्या मां मां साड़ी नज़र की वेख रही है, अज तेरे उत्ते केड़ी भावी बीत गई है केड़ा पाना बीत गया है, जरा सुनना सिखी दे वारसो सिखी दे थम। माता गुजर जी जवाब दे रहे ने, कोई पुछे ना मैनू कोई पुछे ना मैनू के की गुजरी, ये पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी, कोई पुछे ना मैनू पुछे ना मैनू के की गुजरी, ये पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी, ये पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी। दिल्ली वाल दिल दे वाली नू मैं हैप्पी की दर्द जुदाइया दा, मैं हैप्पी की दर्द
दर्द जुदाइयां दा ना मुख जो आख्या सी गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी हे पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी बड़े ऊंची हुई रूहां बैठिया ने कलमां दे तनी बैठे ने राकां दे तनी बैठे ने नजम जेड़ी बच्चे कह रहे ने ना ये काबले गौर है तुहाडी तवज्जो मंगदी है सच जानना इस नजम दा एक एक अल्फाज पारस ने शाही नाल नहीं दिल दे खून नाल लिखण दा यतन किया मेरी रिकॉर्डिंग चलती सी टी सीरीज हंसराज जी हंस राज गायक हुण ते सियाह च पै गए उन्हां दी रिकॉर्डिंग उत्थे मेरे नाल ही चलदी हुंदियां सी उन्हां दी रिकॉर्डिंग चल रही सी निक्के निक्के दो खासे बड़ियां सोहणियां कैसटां उन्होंने सिख पंथ दी चोली च पाईआं ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी इहो जिहे गीत उन्हां दी रिकॉर्डिंग भी चलदी सी उन्हां नूं पता लगा कि पारस कोल इक नज़म है गुजरी बारी दर्शन कुमार जी टीसी दे मालक उन्हां दे कमरे च मैनूं बुला लिया बैठे सी कहिंदे अंकल जी पारस जी तुहाडे कोल इक नज़म है माता गुजरी बारे मैनूं दिओ मैं गाउणी चाहुंदा जो लैणा लवो मैं कहा पुत्र नज़म है पर यह नज़म मेरे बच्चे मेरी कहत विच गाउणगे सो वह नज़म तुहाडी नज़र करन जा रहे हैं एक एक अल्फाज सुनदे जा रहे मैं सौरे कर दी लज खातर सुखा दी पेटी चढ़ा दी मैं सब कुछ कर कुर्बान दिता एक डुबदी है ना बचा दी मेरा चेहरा पर्वत वरगा है मेरा चेहरा पर्वत वरगा है सब पीड़ा हंस गई पी गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी तूफानी ही वगड़ाए चल लवा कि हस के सरी उते चल लवा कि हस के सरी उते मेरी उत जो कुछ भी गुजरी ये पूछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी ये पूछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी आओ जरा त्याते पन्ने ने पीछे तो फ्लोड़िए अज नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अनंतपुर की धरती तो दिल्ली नूं रवाना होना है कादे लई कुर्बानी देण वास्ते सीस दा बलिदान देण वास्ते इंद दी चादर बनण वास्ते लगा सिख संगतां नूं पता मंड के आ गईआं हजूर दे आखरी दर्शन आखरी दीदार संगतां तड़फ रहीआं ने बिलक रहीआं ने विराग वग रहा है दरिया बन गया हंजुआ नाल अनंतपुर की धरती गिली हो चुकी है पर दो चेहरे अनंतपुर की धरती ते बेखौ बेगम बेशिकन ये चेहरे केड़े ने जी एक चेहरा है नौ वरिया दे गोबिंद राय दा कोई फिक्र नहीं कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं कोई गम नहीं
किसी ने सोचा अजे बच्चा है इनू की पता नौ होरियां दी उम्र के बाप की होंदा इनू कल नू पता लगू जदों बाप का छाया सिर तों उठिया जदों यतीम बनिया जदों दुखां दे पहाड़ सिर ते टुटे फिर पता लगू बाप की होंदा नहीं ओ नहीं दुनिया वाले ओ ये बच्चा नहीं ओए इशारे उत्ते ते इहदा पिता कुरबानी देण लगा है। देखो दुनिया दी रीत हमेशा दुनिया ते मां बाप का हुक्म पुत ने मन्या है पर नानक दे घर विच गंगा उल्टी वगदी है इत्थे पुत दा हुक्म पिता मन रहा है वो भी कुरबानी देण वाला ते दूसरा चेहरा है माता गुजरी जी दा कोई गम नहीं कोई फिक्र नहीं कोई शिकवा नहीं चेहरे ते कल नालों ज्यादा रौनक है अज खेड़ा ज्यादा है किसे मेरे वर्गी बुद्धि वाल रिहा ना गया आई आके आखन लगी नी गुजरी कुड़े हैरानी की गल तेनू अज चा का चढ़ गया अड़िए नहीं तेन पता नहीं तेरे सिर का साई तेरे को सदा ली चलिया है थोड़े दिनों तेरे सिर ते चिट्टी चुन्नी आनी है तेरा पुत यतीम बनना है दुखां दे पहाड़ टुटने ने नहीं तेनू अज चा का है अज खुशी का दी है तेन सुनियो नहीं धीओ सिखी दियो वारसो माता गुजरी का जवाब माता गुजरी जी आखन लगे नहीं अड़ियो नहीं मैं अज खुश क्यों ना होवां अज ते पागां वाला दिन है अज ते कर्मां वाला दिन है अज मैं किसे शहीद की पत्नी बन लगी धड़कन समेत रुक जाए सुन जी नू बखरी जग तो एक दास्ता गुजरी धड़कन समेत रुक जाए सुन जी नू जी बखरी जग तो एक दास्ता संसार लोको नहीं जमनी कदी भी मां गुजरी तड़कन समय दी रुक जाए सुन जी नू बखरी जग तो एक दास्तां गुजरी लखा मामा ने बेच जहान लोको नहीं जमनी कदी भी मां गुजरी अपना आप तुपाके गम अंदर अपना आप तुपा के गम अंदर सिख कौम ले कर गई छां गुजरी हो अपना आप तुपा के गम अंदर सिख कौम ली कर गई हाशा गुजरी पति मात दे चोले बिच पा परस ये पोते मंगे ते कीते ना ना गुजरी ये पोते मंगे ते कीते ना ना गुजरी अपने आप तपा के गम अंदर से कौम ले कर गई शां गुजरी पति मौत दी चोली विच पा पारस पोते मंगे ते कीती नी ना गुजरी मैनू चाह है छोटे पोतियां दी मैनू चाह है छोटे पोतियां दी जांजी अखी चढ़दी वेखण दा मैनू चाह है विच चमकारे अंदर एक जोड़ी रड़दी वेखण दा पारस लख सजदा है मां तैनू पारस लख सजदा है मां तैनू तेरे सिख दी पुग गई ली गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी ए पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी रात अपनी चाले तुरी जा रही है माता गुजरी जी पलंग दे विचकार पए ने एक पासे बाबा फतेह सिंह एक पासे बाबा जोरावर सिंह माता जी जाग रहे ने नोट करियो
दुखां दीआं रातां विच कदी किसे नूं नींद नहीं आउंदी। परमात्मा किसे ते दुख की रात ना पावे। दुख की रात पहाड़ जिड़ी लंबी हुंदी है ते सुखां दे साल चुटकी च लंघदे ने। थोड़ी दूर गंगू का मंजा, गंगू भी जाग रहा है। क्यों? कदों माता जी सौण, मैं इन्हां दे सराणे पे माया नूं चुक्कां। जदों रात आ तुप्पर होई, गंगू ने सोचा हुण ते माता जी सौं गए होणे है, रात दा थकेवा है, जागा है। आया आके सराणे पे माया की पोटली नूं चुक्किया, लुका के आके चोर चोर का रौला पाउण लग पिया। माता जी उठ के बैठ गए, मुस्कुरा के हस के माता जी आखन लगे, पुत गंगूआ राजे छिंदे सौ जा, पुत सौ जा, असी जागदे सी, कोई चोर नहीं आया। गंगू आखन लगा, माता जी फिर तुसी मैनू चोर समझ लिया? माता जी आखन लगे, पुत साडा कुछ गुआचा होवे ते किसे नूं चोर आखीए, साडा ते गुआचा ही कुछ नहीं। नोट करियो, सब कुछ कौम की खातर कुर्बान करके ये आखन वाली मां गुजरी, मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कदी भी थोड़ी जी माया दे गुआचण ते गंगू नूं चोर नहीं सी कह सकदा। पर गंगू ने इन्हां शब्दां दे अर्थां नूं समझिया ना, अपनी तुहीन समझी। अमृत वेला होया, मोरिंडे ठाणे गया, जाके जानी खां ते मानी खां ठाणेदार कोल खबर कीती कि मैं वक्त की हुकूमत दे बागी कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे परिवार दे तीन जी परगड़ा के चलाकी नाल अपने घरे लैके आया, आओ उन्हां नूं गिरफ्तार करो, मैनू नाम कराम। भारी फोर्स लैके जानी खां ते मानी खां ठाणेदार सरहेड़ी आया, गंगू दे घर नूं पुलिस ने घेरा पा लिया। देखो दृश्य, बाहर पुलिस दा घेरा ते गंगू दे घर अंदर की दृश्य है। माता जी पलंग ते बैठे ने, मंजे ते पए ने, ते चरणा वाले पासे बैठ के इसे नमक हरामी गंगू दी मां सोभी चरण दबाउंदी है, चुमदी है चरणा नूं। मां मां छाले पए होए ने, मां खून निकलदा है। इधर ये गल्लां हो रही ने, अखां चो हंझू वग रहे ने, दिल दे विच इक तार फिरी, सोचिया कुछ हो गया है। चढ़ी कोठे की छत उत्ते की वेखदी है, चारे पासे घर दे पुलिस का घेरा पिया होया है। इहदी कुक चो पैदा होया नमक हरामी गंगू, जानी खां ते मानी खां ठाणेदार दे विचकार खड़ो के ताड़ी ते ताड़ी मार के हस रहा है। समझ गई सब कुछ, वे पापिया ना टलियो, वे ओह कुछ कीता, फुल के अपने सिर दियां मीडियां अपने पुत गंगू दा स्यापा सोभी इउं करन लगी वाए। पुट पुट मिट्टिया से आप करी पुत दा, ता हमारे मुख चो कहे हे, पापी गंगुआ तेरा कख ना रहे, पापी गंगुआ तेरा कख ना रहे। दुखड़ी सहे हे, पापी गंगुआ तेरा कख ना रहे, पापी गंगुआ तेरा कख ना रहे।
ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ ਭੋਗੇਗਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਵਣਾ ਨਾ ਮਾਸ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਵੇਖੀ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ ਭੋਗੇਗਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਵਣਾ ਨਾ ਮਾਸ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਵੇਖੀ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਵਣਾ ਨਾ ਮਾਸ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਵੇਖੀ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲ ਵੇ ਭਾਰ ਸਕ ਪੱਥੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਮਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਸਕ ਪੱਥੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਮਲਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਮੋਝ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹੇ ਹੇ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂਗਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਗੰਗੂਆ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਗੰਗੂਆ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਔਖਦ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁੰਜੇ ਓਏ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਬਰੇਸ਼ੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ $100, $200, $100 ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ $50, $50 $500 ਦੇ ਨੋਟ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਅਗਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤਸੀਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਲ ਮਾਰੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਢਾਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ ਕਦੋਂ ਵਗਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਝੂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਓ ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਲਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਰ ਸੂਬਾ ਲਾਖੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਭੈਣੋ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਓ ਸੂਬਿਆ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਜ਼ੋ ਤਖਤ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹ ਉਕਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੌ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨੌ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਉਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਸੂਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਤਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੜੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਰੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤਨ 'ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਮਮੀਰਾ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਸਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈ ਲਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾ ਗਿੱਟ ਕੇ ਟੁੱਬਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਵੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਿਓ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਓ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਅੰਮੀਏ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਅੰਮੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਰੰਗ ਮੋਏ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਤ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਢੰਗ ਮੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਛੋਟੇ ਹਾ
ना समझ छोट खोल दिले ना दिल दे तंग माए असी पुत्र हां गुरु दसमेश जी दे नौवे पातशाह साडे अंग संग माए नौवे पातशाह साडे अंग संग माई ओ खुणे सरी दपट्टे बिच अमड़ी लकोई बैठी केसरी दपट्टे बिच अमड़ी लकोई बैठी ओ पुत्र दे पुत्र प्यारे गर्क जाए रब करके बेदर्द मुगल सरकार गर्क जाए रब करके ममता बुरी वे रब्बा पुत्रां दी अगदी बच्चियां नू पुछे माता ठंड ते नी लगदी ओ जिन्ना चिर बुढ़ी माए बैठे मेरे पोतियां दी ओ जिन्ना चिर बुढ़ी माए बैठी मेरे पोतियां दी कौन आखू इन्हें बेसहारे गर्क जाए रब करके बेदर्द मुगल सरकार गर्क जाए रब करके ओ हाथ कड़े वाली बां करके उतानू ओ सफरी तसली देंदे सहब जाऊं दे मानू हाथ कड़े वाली बां करके उतानू सफरी तसली देंदे सहब जा दे मानू ओ साडे ते यकीन रखी जी तो महादे लाल माता इन्हें तानी पे इतबारे गर्क जाए रब करके बेदर्द मुगल सरकारे गर्क जाए रब करके खूनी शरेर उदे होई सूरज रोज चढ़दा है ते हनेरे दी बुक्कड़ विच गुप्त हो जांदा है गुम हो जांदा है पर जेड़ा सूरज अज चढ़ेगा जब तक दुनिया रहेगी एदी लाली नू कोई कटा नहीं सकेगा क्योंकि ये सूरज सात साल ते नौ साल दे साहबजादे दी चरबी चो पैदा सिपाही आए थल्यों बुरजों खड़ो के आवाज मारदे आ दादी मां तेरे पोतियां नू लैण आए आ मां सानू सूबे ने भेजिया मां अपने पोतरियां नू तैयार कर अज तेरे पोतरियां दी आखरी पेशी है कुट कुट के छाती ना ला ली इन्हां ने मुड़ के तेरे कोल नहीं आ आखरी मिलन नहीं है मां तेरी जे इन्होंने दिने सलाम कबूल लिया इन्हों हज वास्ते मक्के भेज देना जे दिने सलाम ना कबूल लिया सजाए मौत असी सूबे के सभा तो वाकव मां उन्हें तेन इन्हों लाशा के कोल भी नहीं जान देना दादी ने थले नजर मारी आख्या विश पाइयो पुत आ गए हो जी आया दे सदके आया दे वारी आया दे पुत अज सज संवर के आना सी सज संवर के अज ती मेरे पोत्या दे बराती बनना है जानी बनना है भी अड़ियो अज मेरे पोत्या ने मौत लाड़ी नू व्याउण जाना है दादी पोतरिया नू तैयार कर रही है कित्थे भेजण लई खूनी मौत नू व्याउण वास्ते माफ करना इतिहास बोल लेना कोई औखा नहीं कोई औखा नहीं सुन लेना कोई औखा नहीं असी बुला रहे साढ़े दिमाग च फीड है तुसी पांच बह जाओ तद भी बोली जावांगे पांच लाख बह जाओ तद भी डोली जावांगे सुनना की औखा है आओ चौंकड़ा मारो बह जाओ बिरती लै जाओ कितने होर सुरती विच कनेडे वाले मुंडे नाल गल्लां करी जाओ कपड़े धोई जाओ घर के काम करी जाओ सुरती बैठे रहो भाई जी आखिर तू ठाकर तुम पैर दास उठ के जकारा छड़ो ते गुरु का लंगर तैयार छको ते करे चले गए सुनिया गया पर नहीं हिरदे की अख नाल इतिहास नूं वेख के बोलना बड़ा औखा ही ते हिरदे की अख नाल इतिहास नूं वेख के बड़ा औखा ही सुनना जरा हिरदे की अख लैके चलो खां उत्थे जिथे मां गुजरी अपने पोतरिया नाल
आखिरी गल्लां कर रही है, आखिरी प्यार देन लगी है। दादी कुछ गल्लां अपनी नौ जीतो नाल कर रही है। नी जीतो नी, मैं कर्मा वाली, मैं भागा वाली, अड़िए मैं तेरे पुत्तां दे अपने पोतरियां दे हत्थी शगन कर रही हूं। तेरे पुत मेरे पोते मौत लाड़ी नूं व्याहुण चले है, अड़िए आ नानक कोल दो कड़ियां उधारियां लैके आ, वेख तेरे पुत्तां दे चेहरियां ते नूर किन्ना अनोखा है। हो लैके स्वर्ग च हो लैके स्वर्ग च मिंट उधारे ओ छेती आज जितारानी हो छेती आज जितारानी ओ जीतां बचिए तक लै बच्चिया नू लाल तेरे शहीदियां पाण चले ओ सेरे डलकदे सोने मथियां ते लौड़ी मौत नू सूरे भी आन चले ओ पैरी बेड़िया हथां नू हथ कड़िया ए सूरे संगल गुलामी दा लाण चले ओ कोल हुंदी ता थिंद विखा दिंदी ए शान दा ताजी दी अज वधाण चले। दादी ने दिता आखिरी प्यार, माफ करना जदों आखिरी प्यार दिता होगा, आखिरी वार छाती ना लाया होगा बच्चों, उस वे धरती कंबी होगी, आसमान डोलिया होगा, पर नहीं डोली सी ते गुजरी नहीं सी डोली। दिता प्यार आख्या सिपाही लै जाओ मेरी कौम की अमानत लै जाओ, सिपाही ने मोहरे ला लै, दादी नूं दिसणों हट गए, दादी आके बह गई, चुप वरत गई, सन्नाटा छा गया है, पर थोड़े समय बाद वो ठंडे बुरज चो किसी के गाउण की आवाज आ रही है। कौन गा रहा है? एक गीत गाया जा रहा है, पर यह गीत दुनिया से सिर्फ इको एक मां गुजरी ही गा सकती सी, जिहड़ा गीत गाया जा रहा है। खुशी बिच बैठी माता गावे अज घोड़िया मौत नूं व्याहुण हथी मौत नूं व्याहुण हथी तोरियां ने जोड़िया।
सोने लगते ने हक ने सोने लगते ने सिरे सोने मुख नू जीता आगे देख तेरी भाग लगे भुख नू जीता आगे देख तेरी भाग लगे भुख नू सूरी जान चेरिया ते सूरी जान चेरिया ते लालिया नी जोड़िया मौत नू व्याण हत्ती मौत नू व्याण हत्ती तोरिया ने जोड़िया सवाल हो ही जवाब साहबजादे ने बदल थोड़ा जाना सी काजी आया फतवा की दिता है ना साहबजादे नु जिउंदे जी दीवार वेचण के शहीद कर दिता जाए ताई इस फैसले दी सुचानंद ने कर दिती आख्या फैसला दुरुस्त है सप दे पुत ने सपोड़िए ने मसल देना ही राजनीति है विरोध मलेरकोटले दे नवाब शेर महमद ने कीता उन्हें आख्या सूबा सरहंद दुनिया का कोई मजहब दुनिया का कोई धर्म शीरखोरा उत्ते जुल्म करन दी इजाजत नहीं दिंदा अपने फैसले नूं वापस लै लै पर सूबा जिते अड़ गया कोई भी जलाद साहबजादियां नूं दीवार वेचण लई तैयार नहीं हो रहा आखिरकार जलादां दी भी औलाद हुंदी है शाशल बेग बाशल बेग शके भरा जलादां दी कुल चों समाणे दे रहण वाले निजी मुकदमे की तरीक भुगतण लई आए सी आख्या सूबा सरहंद असीं साहबजादियां नूं दीवार वेचण देंगे पर साडी इक शर्त है जिहड़ा साडे ते मुकदमा चलदा है उह खारज कर सूबा आखण लगा मामूली जी गल है होर नाम कलाम भी दिया करो तैयारी तैयारी शुरू हो गई इट्टा आ गई गारा बन गया साहबजादे ने किते जपजी साहबजादे पाठ छड्या जकारा आख्या जलादा हो आ जाओ हुण तुहाडियां साडियां गल्लां होण हो बच्चे निहाज जदों खड़ा दिते शाही मुगल पठानिया रो पईया ओ बैण पाए सन पंछियां आलड़िया दुद्दा सने मदानिया रो पईया दुद्दा सने मदानिया रो ओ छोटी उम्र दे विच ही मोटियां ते ओ छोटी उम्र दे विच ही मोटियां ते ये चक लिया मुसीबतां वड्डियां नूं ओ करन वास्ते सिखी दी नी पक्की ए पाया रोड़ी हड्डियां पाया रोड़ी दी थां ते हड्डियां दीवार चिणदियां चिणदियां साहबजादियां दे मोढ़ियां ते आ गई इत्थे इतिहासकारां दीआं वख वख रहियां ने मैं दोन्हें रहियां तुहाडे सन्मुख करनियां ने किसे किराए नूं मेरे नां नाल जोड़िओ ना विपार सिनेहा क्या सी
बहुत इतिहासकारां दा पक्ष है कि जदों दीवार मोढ़ियां ते आई तलवार दे इक्को वार नाल साहिबजादां दे सर कलम कर दिते गए। पर नहीं, ज़्यादा इतिहासकारां दा पक्ष यह है कि फतवा जिउंदे जी दीवार विच चिणदा सी, साहिबजादां नूं दीवार विच चिणिया गया, साहिबजादे दीवार विच अलोप, दीवार डिग पई, इट्टां खिंड गईयां, साहिबजादे बेहोश होए, धरती दी हिक ते पए ने। शाशल बेग ते बाशल बेग ने तिखियां कतारां फड़ के साहिबजादियां दीयां छातियां ते गोडे रख के साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता है। फुल टहक दे टुट गए टाणियां तो माली अपने बाग नूं रुलिया है, वो मुड़ के आवेगा नवी बहार बनके जेड़ा खून शहीदां ने डलिया। अज जेड़ा खून शहीदां ने डलिया साहिबजादियां दी उत्ती कमाई नूं जी फिर दिल च लिया के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। इस खूनी साके नूं अपनियां अखां नाल कोई वेख रहा है उहदा जिक्र ना करां, मैं अकिरत काणा, इतिहास अधूरा रह जाएगा। वो कौन है? वो है मोती मेहरा, जिन्हें दुनिया का सब तो महंगा दुध माता गुजरी जी साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच छकाया सी। किन्ना क महंगा अंदाजा नहीं लगना, पहलों जो कुछ कोल सी वो रिश्वत के तौर पर दिता है, जायदाद वेच के रिश्वत दिती है। जदों शहादत तो बाद इतिहास लिखता है कि पता लग गया सूबा सरहद नूं, उन्हें मोती मेहरे सने वो परिवार के पांच जी वेलनी थानी लगा के खत्म किए सी दुनियावी तौर पर। पर कौन कर सकता है खत्म मोती मेहरे के परिवार को? मोती मेहरे का परिवार अज भी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप में माता गुजरी जी कोल रहिंदा है, अज भी उत्थे सेवा करता है। हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राज तोड़िया किथे जिथे माता जी बेसबरी नाल अपने पोतरां दे इम्तिहान दे रिजल्ट दी उड़ीक कर रहे सी, जाके खड़ा हो गया। सोचता मैं किवें आखां मां तेरे पोते नहीं रहे, गशका के डिग पैगी। दादी ने पूछा मोती कचहरी चो आया है? सिर हिलाया हां। मोती की खबर लैके आया मेरे पोतियां दी? मोती चुप। बे मोती बोलता क्यों नहीं? मोती चुप, मोढ़े तो फड़के झंझोड़िया। बे मोती बे किते कहर ते नहीं हो गया? किते मेरे पोतियां ने दीने सलाम ते नहीं कबूलिया? मोती दे बुल फड़के आख्या नहीं मां नहीं ता मारी, नहीं मां नहीं, तेरे पोते हसदे हसदे कुर्बान हो गए। जिन देह विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे, जिन देह विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए है तेरे। ध्यान देना हुण माता गुजरी जी ने धनवाद विच शीश चुकाया, मोती नूं आख्या वे मोती रोण दा वेला नहीं, वे अड़िया ये ते खुशियां मनाउण दा वेला है, जा जाके सरहंद दीआं गलियां च होका दे दे। अज गुरु नानक पातशाह दी सिक्खी दा जहाज डोलण तों बच गया, धनवाद विच शीश चुकाया। ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यो ज्योति संघ ज्यो समाना, खुद ही ब्रह्मलीन होके साहिबजादियां कोल पहुंच गए। तीन लाशां अज सरहंद की धरती ते बगैर कफन तो ने। माफ करना मेरे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार दीआं तीन लाशां, साडे च की गौणा है? कुछ भी नहीं, इतिहास ही बोलदे हैं। दुनिया की कोई कंट्री नहीं जिथे पंजाबी रहिंदे होण ते तुसीं सानूं ना सद्दिआ हो, इतिहास बोलदे होर कोई कुरबानी नहीं गी साडी, मन साडा चंचल है, असीं ते इतिहास पूरा सुण भी नहीं सकदे, दंद कढ़दे आ कई हसदे आ चंचलताइयां दिखालदे आ क्योंकि जुड़े हुए नहीं अंदरों। चंदन कै निकट बसै बांस सुगंध ना होए, वो चीज़ नूं साबित होया मैं अज वेख्या। ध्यान दिओ मैं गल नूं अगे तोर, मैं गल कर रहा सी हुण की कुरबानी है? कोई नहीं, साडे सियासी लीडरां ने इन्हां दी शहादत नूं मोहरे रख के कुर्सियां हासिल कर लईआं ने। अज मेरे बाजां वाले माही दे परिवार दे तीन जी
उन्हां दीआं लाशां बगैर कफन तों पईआं। पता लगा टोडर मल नूं आया आके आखण लगा ओ सूबिया तू जो कुछ करना सी कर दित्ता है, ये लाशां मैनूं दे, मैं अदब नाल सत्कार नाल इहनां दा संस्कार करना है। टोडर मल्ला जगह मेरे कोल मुल लैणी पैगी की भा मोहरां विछा के सौदा सस्ता है। गया जायदाद नीलाम की, जायदाद नीलाम जो तो घर दियां चीजां नीलाम करता है ना भैनो ध्यान दिओ, तुसीं कुछ चीजा नूं चुक के पासे रख रहा है। टोडर मल दी धी आई, बापू ए की कर रहे हैं, इस समान पासे क्यों रखदा है? नी धीए इहदे ते मेरा हक नहीं, ये तेरा हाथी तैयार किया हुआ दाज है, क्योंकि उन्होंने वेले धीया हाथी तैयार कर दिया सी दाज, तेरा हाथी तैयार किया हुआ दाज है। बापू अग लाउणी पै दाज नूं, बापू इहनूं इनाम कर, मेरा भी तुझे हिस्सा पै जाए। मोहरां पाईआं थैली दे विच लिजा के मोहरे सुट्टीआं, सूबिया चुक मोहरां, मोहरां थोड़ियां ने नहीं, मैं विछा के वेख लिया तिन्हां दा अलहदा अलहदा संस्कार हो जाणा। नहीं नहीं टोडर मल्ला, मैं तेनू मोहरां विछाउण नूं नहीं, खड़ियां करके लैण नूं आख्या सी। जगह टोडर मल सरहंद दी धरती ते झोली अड के दर दर मोहरां कट्ठियां करदा है, मेरे कलगियां वाले पातशाह दे परिवार दे तिन जीआं दे संस्कार लई। दुनिया दी नोखी अर्थी ओ नोट करियो, साडियां अर्थियां ते फुल वरसदे ने, साडे लीडरां दी अर्थियां ते हैलीकाप्टर फुल्लां दी वरको करदे ने। किन्ना चिर याद रखोगे? 50 साल, वध तों वध 100 साल। पर जिहड़ी अर्थी अज उठण लगी है, जद तक दुनिया रहनी है ये अर्थी सानू भुलनी नहीं, इहदी तस्वीर इसे तरह ही अखां दे सामने रहनी है। टोडर मल ने दोहां साहिबजादियां नूं मोढ़िआं ते चुकिआ है, ते मोती मेरे ने माता गुजरी जी नूं मोढ़े ते चुकिआ है, इक्को जगह दे उत्ते तिन्हां जीआं दा संस्कार, तिन्हां दा संस्कार इक्को जगह दे उत्ते। ध्यान देना, वो दुनिया दी अनमोल जगह है गुरद्वारा ज्योति स्वरूप। जायो जानियो गड्डियां भर भर के, जानियो गड्डियां भर भर के लेह लद्दाख धर्मशाला, होना जगह ते भी बहुत जाने हो तुसी, पर साडा सब तो वड्डा तीर्थ है गुरद्वारा ज्योति स्वरूप। जायो थल्यों खड़ो के आवाज मारियो, मां तेरे दर्शन करना आए हैं, तेरे दीदार करना आए हैं, तेरे पोत्रियां नूं मिलना आए हैं, जरूर दर्शन होणगे, जरूर दर्शन होणगे, जरूर दर्शन होणगे, पर पोते ते पोतियां बन के जायो, पोते ते पोतियां बन के जायो। इन्ना कुछ कहिंदा होया पारस खेमां दा जाच, रब्बी रूहां बैठियां ने दर्शन करके मन निहाल होया। सुनिया तुसीं बड़े प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग संत।